बस सर, आज का जो सामाजिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है, दलितों को अपने हक के लिए SC ST Act में जो बदलाव करने का जो सरकार प्रयास कर रही है उसको लेके आंदोलन करना पड़ रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार की ओर से 2 साल पहले इसमें संशोधन हुआ, जो बदलाव लाना था वो बदलाव दिया है सरकार की ओर से, अब जो बदलाव आ रहा है वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है। कोर्ट ने जो बदलाव लाया है वो एक्ट में उन्होंने बदलाव नहीं किया, ये बात सही है, मैं उसे दोहरा देता हूँ, जो बेंच ने कहा कि हमने एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया, जो बदलाव लिया है वो इंक्वायरी में लिया है। पहली जो इंक्वायरी थी वो DM की इंक्वायरी थी या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के माध्यम से हुआ, अब सरकार ने कोर्ट ने ये कहा है कि भैया इनके दोनों के अलावा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे हम लोग इंक्वायरी चाहेंगे। पहला सवाल ये उठता है कि इंक्वायरी ऑफिसर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पार्लियामेंट ने इंक्वायरी के पावर्स दिए हैं? अगर दिए हैं तो अलग बात है, जहां तक हमारी जानकारी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इंक्वायरी पावर्स नहीं है। आज जब नहीं है तो आपने ये जो तीसरा फंडा बीच में लिया है वो इंक्वायरी, इसकी वजह क्या है? अच्छा, जो केस कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस है, उस केस का मकसद ही वही है कि उसने आयोग से कहा कि जिसके खिलाफ मैं FIR दर्ज की है ये सरकारी मुलाजिम है, आपको सरकार के से इजाजत लेनी होगी इनको प्रोसिक्यूशन करने की। आयोग जो है वो लेटर लिखता है प्रोसिक्यूशन के, लेकिन वो लेटर सरकार के यहां नहीं जाता है, वो 20 का जो है डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर जो है वो ही उसमें खारिज कर देता है कि इसमें कुछ है ही या नहीं। कंप्लेनेंट जो है फिर ये महाजन के खिलाफ करता है कि ये एक्टेड विदाउट पावर्स, और हाईकोर्ट कहता है कि मैं इस ये जो FIR दर्ज की है हम लोग इसको स्क्वैश नहीं, मतलब कोर्ट जो है सरकारी अधिकारी पर जो विश्वास करने के लिए तैयार है वही सरकारी अधिकारी ने उसको न्याय नहीं दिया। पार्लियामेंट ने इसको न्याय मिलने के लिए DM और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसको दिया हुआ है, कोर्ट ने ये बदला क्यों है इसकी कोई कारण नहीं है, वजह तो इसलिए गुस्सा आया है लोगों का कि भैया आपने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया है उसका। दूसरा ये है उसमें कि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पिटीशन एडमिट की, लेकिन इंदिरा सायनी की केस में जो 9 बेंच का जजमेंट है उस 9 बेंच के जजमेंट ने ये कहा है कि शुल्कास को क्रीमी शुल्का शुल्क्राय को क्रीमी लेयर नहीं लग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दे दिया है तो लोग ये कह रहे हैं कि ये डिवीजन बेंच ने इसको स्वीकारा क्यों, ये तुम्हारी बियॉन्ड पावर्स है और सरकार को कहा है कि आप इस पर जवाब दीजिए। तो ये जो है कि कहीं उनको लग रहा है कि हमारे अधिकारी पे हनन हो रहा है, निकाले जा रहे हैं और हमारा जो वजूद है वो खत्म किया जा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पे मैसेज आया कि 2 तारीख को करना है, लोग अपने आप रास्ते पर, उनको किसी ने कहा नहीं कि आपको करो। तो ये लोगों का जब गुस्सा है, डर है, उसको वो बाहर। सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई है, क्या मानते हैं क्या ये सब अगर पहले हो गया होता तो ऐसी भी नौबत? मेरे हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पुनर याचिका पर किसी बेंच ने सुनवाई की है अभी तक कोई उदाहरण कई जजमेंट्स के खिलाफ बारों ने ही बताया कि ये जजमेंट कैसे गलत है, उसके बाद भी रीमी प्रकाशन के माध्यम से इस देश में जो है वो बाबा साहब ने ये कहा कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मिसिंग है, और वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो दिखाई दे रही है कि ये जो
एट्रोसिटी एक्ट का जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में ही कॉन्ट्रेडिक्ट करती है, अपने अपने ही जजमेंट को कॉन्ट्रेडिक्ट करती है। हमारी का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई FIR कंप्लेन करने आता है तो उसकी कंप्लेन तुरंत होनी चाहिए, अगर कंप्लेन नहीं होती है तो कंप्लेन ना देखने वाला अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ सरकार कहती है कि भैया आपकी जो है जांच होगी उसके बाद में FIR होगी, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, अपने ही जजमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन कर। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ उम्मीद है 10 दिन के बाद जो मेरे कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ, मैंने पहले कहा कि ये रिव्यू पिटीशन जो है ये आई वॉश पिटीशन है, लोगों को गुमराह करने की पिटीशन है, इसको अगर परिस्थिति सुधार करनी है तो इस सरकार को ऑर्डिनेंस ही लाना होगा, बिना ऑर्डिनेंस से कुछ नहीं होगा। आपको लगता है लाएगी सरकार? मुझे उम्मीद। एक सवाल सर और है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम में जो राम जी लगा दिया था इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये नाम तो बाबा साहब भी नहीं लगाते थे, वो खाली गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता था तो पिताजी का नाम मेंशन होता था। अब उसी को पकड़ के जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कोशिश